प्रणाम सर। यस बेटा बोलो क्यों। शुरुआत करना चाहूंगी कि लहरों से डरकर नौ का पार नहीं होगी, लहरों से डरकर नौ का पार नहीं होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। नंगी चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, बल्कि नंगी चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि डुबकिया सिंधु में गोता खोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना साहस बढ़ता दुगना उत्साह है इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो दो, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो दो, कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। सर इसी के साथ एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं सभी सहपाठियों की ओर से कि एक बार पुनः आपने हमें ये स्मरणीय अवसर प्रदान किया है, और इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि सर आप कक्षा प्रारंभ करें। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है, विजिबल हूं मैं प्रॉपर? तो बच्चों का एक बार फिर नई कक्षा में स्वागत है, बच्चों से मुलाकात हो रही, अच्छा लग रहा है। वो दिन क्लास खत्म हो गई थी तो कुछ इतनी व्यस्तता के बाद कुछ खालीपन सा फील हो रहा था। जब एक लंबे समय तक मुलाकात चलती रहती है, बातें होती रहती हैं, तो बिछड़ने का कुछ गम तो कुछ देर तक रहता है, परंतु अच्छा लगा कि फिर से हम सबकी मुलाकात हो रही है। और जीवन में मिलना बिछड़ना चलता रहता है, परंतु प्रत्येक समय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते रहना ज्यादा जरूरी कि हम आखिर मिले किस लिए हैं, तो हमें करना क्या है, और बिछड़े हैं तो किस लिए करना क्या है। यानी कि हर जगह संभावना तलाशना, यही सिविल सर्वेंट या सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट का सबसे बड़ा गुण है। बच्चों ये अपने अंदर फील करिए, बार बार इनकलकेट करिए, इसी की परीक्षा सिविल सर्विसेज है, बाकी कुछ नहीं, जो विभिन्न तरीके से जान ली जाती है। मैंने इसके बारे में पहले भी कई बार चर्चा की। आइए खैर हम लोग शुरू करते अपनी क्लास। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता, ये टॉपिक बच्चों हमारे पेपर में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और यहां से प्रश्न प्राय आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पर्यावरण,
पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता, ये आज आपका टॉपिक है। बायोडायवर्सिटी ऐसा टॉपिक है बच्चों जहां से काफी क्वेश्चन हाल के समय में पूछे जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात देखेंगे कि कुछ खास कारण है कि ये प्रश्न यहां से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जब आप कभी पेपर का एनालिसिस करेंगे, बदलते ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे, कुछ चीजों को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहां से प्रायः 15 से 20 क्वेश्चन एवरेज हर साल पूछे जाते हैं। और एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि 20, 22, 25 तक भी पहुंचा है ना, कई एक आध बार हुआ, बट एवरेज हम मान सकते हैं 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। बच्चों पहले इतने क्वेश्चन यहां से नहीं आते थे, पहले इतने सारे क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाते थे। ऐसा क्यों भाई, आखिर ऐसा क्यों? तो जब अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके पीछे कुछ निहित कारण है। जैसे आप लोग जानते होंगे पहले यह जो परीक्षा थी, प्रारंभिक परीक्षा, केवल और केवल सिविल सर्विसेज के लिए होती थी। और जब केवल और केवल सिविल सर्विसेज के लिए होती थी तो ज्यादातर सिविल एरिया में कुछ बहुत सारे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबसे ज्यादातर क्वेश्चंस आते थे। बट इन चेंजिंग सिनारियो, शायद आप लोग जानते होंगे, ओनवर 2011 सिविल सर्विसेज की इस परीक्षा के साथ आईएफएस भी जोड़ दिया गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यदि आप थोड़ा देखेंगे तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी जोड़ दिया गया। पहले फॉरेस्ट सर्विस की कोई प्रारंभिक परीक्षा नहीं होती थी, मेंस होता था। परंतु बढ़ते बच्चों की संख्या को देखते हुए, जिसमें काफी अनसीरियस बच्चे भी बैठते हैं, जिससे मेंस की कॉपी जांचने बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में उनको पहले ही छांट देने के लिए, नॉन सीरियस लोगों को, प्रीलिम्स का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, प्रिलिमिनरी पेपर का। अब यह हुआ कि भाई आईएफएस का भी क्या अलग से प्रीलिम्स का पेपर लिया जाए? आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा होगा देखा भी होगा इस चीज को, उसमें आईएफएस का एक ऑप्शन भी आता है। क्यों बच्चों, देखा कि नहीं आप लोगों ने, आईएफएस का एक ऑप्शन भी आता है। तो यह हुआ कि भाई यदि हम अलग से पेपर लें फिल्म्स का, तो चूंकि उतने बच्चे भी नहीं बैठते हैं कि पूरे ऑल इंडिया हर स्टेट के कैपिटल में टेस्ट पेपर हो, कई जगहों पर तो स्टेट में एक स्टेट के एक जगह के साथ साथ कई पेपर होते, कई जगहों पर जैसे यूपी में कई जगहों पर पेपर होते, तो ये हुआ कि भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो ऐसा करते हैं सिविल सर्विसेज के साथ इसको भी जोड़ देते हैं। जो लड़का केवल और केवल आईएफएस में जाना चाहेगा वो अपना आईएफएस भर दे, जो दोनों में जाना चाहता है वो दोनों भर दे, मेंस हम दोनों अलग अलग ले लेंगे। यस, तो कहने का यहां पर भाव ये है बच्चों कि अब ऐसे बच्चे जो सिर्फ आईएफएस में जाना चाहते हैं फॉरेस्ट सर्विस में, उनका भी तो एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, उनका भी तो एप्टीट्यूड टेस्ट होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस, उनका भी होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? इसी पेपर से होना। तो उनके एप्टीट्यूड में क्या है भाई, कि क्या कुछ इन्वायरमेंट के बारे में जानता है, अपने सराउंडिंग्स के बारे में कुछ जानता है कि भाई क्या कैसे हो रहा है दुनिया में, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं कैसे? क्योंकि जब कुछ बेसिक जानता रहेगा तो आगे कुछ चीजों को समझने में आसानी होगी।
इसी को देखते हुए 2011 से इसमें आपका जोड़ दिया गया। पहले भी क्वेश्चन आते थे, ऐसी बात नहीं, हम लोगों के समय भी आते थे, परंतु एक आध दो क्वेश्चन होते थे। अब कई बार डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता था कि एग्जैक्टली ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है या ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, परंतु अब तो क्लियरली एकदम लगता है कि भाई ये प्योर जो है यहां से पूछा गया। डीप कंसेप्ट आते, पहले सुपरफिशियल कंसेप्ट आते, तब डीप कंसेप्ट आते, और मेंस की परीक्षा में तो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आपकी कोई बात ही नहीं। क्यों किया हुआ? क्योंकि भाई आज की डेट में पर्यावरण एक सबसे ज्वलंत मुद्दा बन गया है, विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं दिखाई दे रही। जैसे सोचो अभी हम लोग आज 13 मार्च को खड़े हैं, 13 मार्च में जो गर्मी अभी फील हो रही है ये लगभग 25 मार्च के आसपास पहले होती थी बच्चों, 25 से 30 मार्च के आसपास। शायद आप लोगों ने अपने पिछले 10-15, 5-6 सालों, 8 सालों में ही अनुभव किया होगा आप लोगों ने भी, परंतु अब देखो इस समय देखो लग रहा है कि अगले 5-6 दिन 8 दिन में फुल फ्लैज गर्मी आ जाएगी एकदम, और लू पहले ना चलने लगे। इसी बार जो मैं बार बार ज्योग्राफी जब पढ़ाता था तो कहता था बच्चों पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, 3-4 बार वर्षा होती है। आप लोगों ने खासकर जो एनसीआर के आसपास के बच्चे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, आपने देखा होगा मात्र 1 या 2 बार आया था बस, और ये व्यवहार कई सालों से कुछ ऐसा अनिश्चित दिख रहा। तो भाई ये इशू है ना बच्चों, क्यों? क्योंकि इसी पर्यावरण में हमारी सारी अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, राजनीति, सभी प्रकार की व्यवस्था जुड़ी हुई है। इसमें यदि कहीं कुछ हुआ बच्चों तो देन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो भाई गड़बड़ किया किसने? मानव ने। सुधारेगा कौन? मानव ने। जानेगा कौन? मानव। क्यों बच्चों? ये प्रॉब्लम क्रिएट किसने किया बताइए? क्या प्रकृति ने किया? बोलिए, नहीं, हम ही लोगों ने किया ना। पेड़ किसने काटा? हम ही लोगों ने काटा। प्रकृति तो हर जगह पेड़ उगाने की कोशिश करती रहती है, प्रकृति हर जगह पेड़ उगाने की कोशिश करती रहती, व्यवस्था बना रहे, परंतु हम ही, आप पता चला पेड़ को काट काट के क्या कह रहे भाई? नहीं, शिवराम कह रहे हैं कि भाई ऐसा एक बढ़िया सा बेड बनना चाहिए, फर्स्ट क्लास फर्नीचर लगना चाहिए भाई, ये थोड़ा जम नहीं रहा है भाई। क्यों बच्चों? इसका मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन इसके लिए जिम्मेदार है। यदि ह्यूमन जिम्मेदार है तो भाई उसको सुधारेगा कौन? हमें। इसीलिए गाना आप लोगों ने सुना होगा, तुम्ही ने दर्द दिया और तुम्ही दवा देना। गाना सुना है ना, पुरानी मूवी का है, कि तुम्ही ने दर्द दिया अब तुम्ही दवा देना। तो भाई मानव ने काम किया है गड़बड़, तो मानव भुगतेगा। तो भाई समझदार व्यक्ति वो होगा कि बिना पढ़े लिखे ही दवाई देने लगे और लेने लगे। क्यों बच्चों? दवाई बिना पढ़े लिखे लेने लगे देने लगे तो क्या होगा? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो भाई उसके लिए पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो अब पर्यावरण में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे चारों ओर, क्या क्या हम कर रहे हैं, पहले जानो, समझो, देखो, भालो, तो फिर पॉलिसी प्लानिंग बनाओ। यस, आप लोग अधिकारी बनेंगे तो जब जानते रहेंगे तभी तो पॉलिसी प्लानिंग बनाएंगे कि नहीं नहीं देखिए ऐसा होता है तो ये होता है, तो कुछ कार्य हम ऐसा करें तो फिर ये होगा। बोलिए, तो इसलिए इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। अब अध्ययन से पहले मैंने आप लोगों को बार बार कहा है, चूंकि यह सिविल सेवा की परीक्षा है बच्चों, तो सबसे पहले जो जानने की चीज है कि हमें पढ़ना क्या है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि ये जाने कि हमें पढ़ना क्या है। जब हम ये जान जाते हैं ना बच्चों तो बहुत सारी समस्याओं का अपने आप समाधान होने लगता है। समझ गए आप लोग? बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाती। तो जरा देखते हैं सिलेबस क्या क्या है भाई। चलिए शुरू करिए लेके प्रभु का नाम। तो इसी में पहला टॉपिक है बच्चों,
पाठ्यक्रम की हम लोग बात करें इसका पाठ्यक्रम क्या है, तो आप लोग देखेंगे इसके पाठ्यक्रम में जो पहला ही टॉपिक है इंट्रोडक्शन या कह सकते हैं परिचय क्या है, इसका विषय क्या है भाई, हम उस विषय के परिचय को समझेंगे, देखेंगे, कुछ टर्मोलॉजी की बात करेंगे, कुछ और बातें होंगी, देन इसको आगे बढ़ाएंगे। देन फिर इसी में जो दूसरा टॉपिक बनता है बच्चों ये पार्ट में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तंत्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तंत्र, तंत्र इकोलॉजी पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कर लो ज्यादा बढ़िया रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र। तो क्या है भाई इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल सिस्टम, या इसे बहुत सिंपल भाषा में बोला जाता है इकोसिस्टम, ठीक है। देन इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं, सब टॉपिक्स, तो अर्थ एवं परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा नंबर टू, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं एवं नियम, पारिस्थितिकी तंत्र की नियम, नंबर थ्री पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक, देन फिर पारितंत्र के प्रकार, देन फिर पारितंत्र के कार्य, देन पारितंत्र में पदार्थों का संचरण। ये जो बेसिक कंसेप्ट है बच्चों ये समझना जरूरी है, ये आधार है, यहीं से आपको कई सारी चीजें आगे समझ में फिर आएंगी। तो ये आपका पहला जो टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र, उसमें ये सब टॉपिक्स, पहला क्या है पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं एवं नियम, पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक प्रकार, उसके कार्य और पदार्थों का संचरण, किस तरह से कार्य होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीजों को हम लोग अपने इस पाठ में देखेंगे। यह टोटली साइंस है बच्चों, एक तरह से साइंस है। और जब इसको समझ जाएंगे तो कैसे क्या आगे प्रॉब्लम होगी इन सब चीजों को आप लोग समझने लगेंगे, और कैसी प्रॉब्लम होगी तो किस तरह का सॉल्यूशन होगा, इजिली यू विल हैव एबल टू फाइंड आउट। क्लियर, देन फिर आगे बढ़िए भाई, नोट कर लिया सबने, इसका बी पार्ट है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण,
तो क्या क्या टॉपिक है भाई? परिभाषा, प्रकार, प्रकार एवं मापन, जैव विविधता की परिभाषा तो हो ही गया, महत्व जैव विविधता को खतरा, ये भी एक बड़ी समस्या है बच्चों, एक बड़ी समस्या है। आजकल बड़ा तेजी से कहानी खत्म हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा अपने चारों ओर ही कि देखते बच्चों आवाज नहीं आ रही, कुछ बच्चे बोले आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा चलो थैंक यू। तो जैव को खतरा, जरा आप लोग सोचिए अपने चारों ओर जा देखिए, देखते ही देखते शहरों से गौरैया गायब हो गई। इस समय ज्यादातर शहरों से गौरैया और विभिन्न प्रकार के पक्षी गायब हो गए। क्यों बच्चों, ऐसा है कि नहीं? दिल्ली में ही देखते हैं गौरैया गायब हो गए ज्यादातर क्षेत्रों से। गांव में भी जितनी गौरैया पहले हुआ करती थी अब नहीं मिलती है उतनी। अदरवाइज गौरैया पे देखोगे कितनी कहानियां, कितनी बातें, कितनी सब चीजें मिलती हैं। कौआ पे कितनी कहानियां, कितनी गिद्ध पर कितनी कहानियां, वो तो हमारी पौराणिक कहानियों में बच्चों अवेलेबल है गिद्ध की बातें। मगरमच्छ की कहानियां, सियार गीदड़ की कहानियां, बहुत सारी अब केवल कहानियां रह गई। शेर चीता इन सब की कहानियां, बोलिए। चीता पहले भारत के हर दूसरे तीसरे गांव में जंगलों में मिल जाया करता था, पर आज बहुत मुश्किल है, आज की डेट में बहुत मुश्किल है बच्चों। ये स्थिति हो गई चीता की, 1952 में ही खत्म हो गया। अभी देखो ला के रिहेबिलिटेट करना पड़ा दूसरी जगह से, हमारा इंडिजिनस था वो खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कई तरह से खतरा है, क्या इस खतरे को यूं ही चलने दिया जाए? नहीं, नो। यदि आप ऐसे चलने देंगे तो एक दिन ये स्थिति आ जाएगी, आपका जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। तो भाई ये जानना जरूरी है। देन फिर यदि खतरे में है तो इसका संरक्षण जरूरी है कि नहीं भाई? जैविकता का संरक्षण, संरक्षण कैसे होगा भाई? कई तरह से होता है। बाह्य स्थाने एक सीटू, स्व स्थाने इन सीटू। देन फिर नियम कानून बनेंगे बच्चों। भारत में जैव जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु प्रयास, भारत में जैव विविधता संरक्षण हेतु प्रयास। माना जाता है बच्चों 1920 के आसपास भारत में 40,000 से अधिक टाइगर हुआ करते थे, पता आप लोगों को? 40,000, ये सिंपल एक असेसमेंट है, उससे भी ज्यादा हो तो कोई बड़ी बात नहीं। बट 1972 तक आते आते, 70 तक आते आते भारत में मात्र कुछ 100 टाइगर रह गए, पता है बच्चों? इसका परिणाम कई तरह की पर्यावरणीय प्रॉब्लम, आज भी हो रही पर्यावरणीय प्रॉब्लम। मैं समझता हूं कि ज्यादातर बच्चों के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय
नीलगाय की समस्या, जंगली सुअर की समस्या उनके खेतों में कुछ दिखाई दे रही होगी। बोलिए बच्चों, ऐसा है कि नहीं बच्चों? आप लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में नीलगाय की समस्या बढ़ रही हो सकता है, जंगली सुअर की समस्या कि पता चला आलू लगा के आए हम लोग, आलू तैयार हुआ एक दिन, जंगली सुअर आए सब आलू खा गए। बोलो बच्चों, ऐसा है कि नहीं? हमारे यहां स्थिति यह है कि इतने नीलगाय हो गई हैं कि लोगों ने मटर बोना छोड़ दिया, लोगों ने क्या बोलते शुगर केन यानी गन्ना बोना छोड़ दिया, अरहर बोना छोड़ ही दिया। आज की डेट में हमारे यहां आपको गन्ना कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ये स्थिति हो गई। समझ गए बच्चों? क्यों ऐसा भाई? क्योंकि जंगल में शेर नहीं रहे, जंगल में चीता नहीं रहे, जंगल में बच्चों टाइगर नहीं रहा। समझे? टाइगर भी नहीं रहा जंगल। अब ये प्रॉब्लम, तो इसलिए संरक्षण किया जा रहा है। देखो 1972 में 73 में जब टाइगर प्रोजेक्ट भारत में चलाया गया, तो उस टाइगर प्रोजेक्ट के चलने से भारत में फिर से चीता बढ़े और आज पहुंचते पहुंचते लगभग 2960-65 हो चुके हैं, यानी 3000 के आसपास। तो भाई कुछ तो बेटर कह सकते हो, बेटर सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट, संबंधित कानूनी प्रयास। बच्चों क्या तुम गीदड़ मार सकते हो, तीतर मार सकते हो, टाइगर वगैरह मार सकते हो, शेर मार सकते हो? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। शिवराम कहते हैं सर खेत में धोखा लगाना पड़ता है। बिल्कुल बेटा धोखा लगाना पड़ता है, पर वो भी तुमसे भी तेज होते हैं, वो जानते हैं ये धोखा लगाओ, कुछ दिन बाद पहचान लेते हैं, है ना? तो ये कई तरह की प्रॉब्लम आ गई भाई। अब तुम किल नहीं कर सकते हो, डोंट वांट टू किल, वांट नहीं बच्चा, कंपल्सरी, यू कांट किल अर्जेंट, पकड़े तो गए। अब वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 आ गया, जिसमें अलग अलग शेड्यूल्स बने हुए हैं, चारों शेड्यूल में डिफाइन किया गया है अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स, और उस तरह के उसी अनुसार ऑफेंस डिसाइड किया गया है कि यदि आपने ये मारा तो इतना साल की सजा, ये मारा तो इतना साल की सजा। पता है कि नहीं? आजकल में जानवर धोखा भी समझ गए हैं, अब वो नहीं डरते। वही मैंने देखा है बेटा, क्योंकि मैं भी थोड़ा खेती किसानी से जुड़ा रहता हूं, तो मैं गर्मियों में कभी कभार मैं जाता हूं गांव देहात में, तो ये सब चीज सुनता रहता हूं, देखता रहता हूं। तो खैर ये सब बातें हैं, तो मैं समझता हूं बच्चे इन सब टॉपिक को समझेंगे। चलिए भाई इसके बाद नोट कर लिया आप लोगों ने सभी ये? हाँ, आप सभी ने नोट किया। चलो फिर नेक्स्ट थर्ड क्या है? पर्यावरण एवं पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण। तो कौन है भैया सबसे पहले परिभाषा? स्रोत एवं प्रकार। भाई पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, है ना? इन सब पर हम लोग चर्चा करें। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण Thank you.
विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं उनके स्रोत, स्रोत एवं दुष्प्रभाव, देन नंबर थ्री पर्यावरण संरक्षण। दोनों स्तर पर भारत एवं विश्व स्तर पर ध्यान रखना बच्चों, बड़ी बड़ी समिट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कौन कौन से नियम आए हैं, क्या प्रयास कौन से कंट्री कुछ कर रहे हैं, इन सभी का अध्ययन यहां पर हम लोग करेंगे। भारत सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इन सब का अध्ययन हम लोग देखेंगे। देन फिर जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन परिभाषा, परिभाषा कारण एवं प्रभाव, भारत एवं विश्व स्तर, दोनों से ध्यान रखना बच्चों। देन ओजोन क्षरण, कारण, प्रभाव, निराकरण, निराकरण, ये सभी चीजों का अध्ययन होगा बच्चों इसमें। और इसी में लास्ट में एक और टॉपिक बनता है, नंबर दो कह सकते हो, वो है नंबर दो, ने इसी से जुड़ा हुआ नंबर दो, जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन एवं सम्मेलन, सम्मेलन। देन फिर बच्चों इसी से एक और कंसेप्ट निकलता है, सतत विकास। और अगला टॉपिक बनता है समसामयिक मुद्दे। कंटेम्परेरी इश्यूज, ये बच्चों आपका इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस प्लस प्रीलिम्स बेटा है। उसी में तो वो जो पहला मैंने बोला था, वो कहीं ना कहीं ये जो पहला टॉपिक है उसी में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो है ना, ये जब देखेंगे तो इसी में आपका इन्वायरमेंट का यहीं से जुड़ा हुआ टॉपिक यहां पे भी हो जाएगा, वहां से भी सम्मेलन मुद्दे, तो जो टॉपिक है ना वहीं से कहीं ना कहीं ये टॉपिक अपने आप आ जाता, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो उससे भी तब परेशान मत रहो, वो तो टॉपिक कहीं ना कहीं डिस्कस होगा ही। ठीक है विजय, डोंट वरी, छोड़ेंगे नहीं ऐसे, इतने तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट है। चलो खैर, तो इस तरह से आप यहां पर
सारी चीजों को टॉपिक को देखेंगे। इसी में हो सकता है कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक्स ऐसे हों जो आपके मन में आ रहा है, सर ये भी कीस्टोन कैसे, प्रजाति कैसे आप लिखवाएं, क्या करेंगे, अरे सब उसी में होगा। ये एक मोटा मोटी टर्म्स हैं, टर्मोलॉजीज हैं, उसी से जुड़ी हुई सारी बातें, नहीं तो फिर एक घंटा इसी में हम लोग लिखते रह जाएंगे। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़े। तो यहां पर बच्चों बात एक ये हमारे मन मस्तिष्क में आ रही है कि आप कहेंगे कि सर आपने इतना सारा परंपरागत जो ट्रेडिशनल एरिया है वो भी लिखवाया है और कहा है कि समसामायिक मुद्दे कैसे इंपोर्टेंट। तो बच्चों ध्यान रखना, इकोलॉजी में ये वाला टॉपिक भी इक्वली इंपोर्टेंट। समसामायिक मुद्दे से संबंधित ये है कि कुछ घटनाएं होती रहती, मान लो हम लोगों का टॉपिक पढ़ रहे हैं और अभी एक महीने बाद कोई एक बहुत बड़ी मोमेंटल घटना घट जाए, या एक महीने बाद अचानक कोई सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा लॉज आता है, नियम आता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बैठक होती है उसमें एक बड़ा नियम बनाया जाता है, तो वो नियम क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे दुष्प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी जो डायमेंशंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब देखेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। समझे बच्चों? तो हमें वो जानना बहुत जरूरी, वो कंटेम्परेरी एस्पेक्ट भी जानना बहुत जरूरी। टाइम टू टाइम बीच में डिस्कस करता रहूंगा, बताता रहूंगा, कुछ इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा चीजें भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, और कुछ चीजें आप लोग भी अपने स्तर से करते रहेंगे। बोलिए करेंगे कि नहीं, बोलिए भाई कुछ करेंगे ये सब चीजें या नहीं? कंटेम्परेरी पर हमें विशेष ध्यान रखना, प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन 5-6 आ जाते हैं कई बार, ध्यान रखो, और मेंस में बकायदा तो सारा खेल कंटेम्परेरी का ही है, परंतु ध्यान रखना आधा पार्ट ट्रेडिशनल से ही होगा। यूपीएससी का आपको, आप लोग मेंस का पेपर देखेंगे इकोलॉजी का, तो जनरली हाफ पार्ट ट्रेडिशनल होगा कि ये क्या है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, अभी हाल में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए, लो भाई उसे भी जानिए, पुराना क्या है और नया क्या है सरकार द्वारा, ठीक है, या अभी सरकार द्वारा पारित इस विधेयक से हमारे जैव विविधता किस प्रकार सुरक्षित रहेगी, आप बताइए समझाइए, इस तरह के प्रश्न मेंस में भी आते रहते, यानी कि बोथ कंसेप्ट ट्रेडिशनल एंड कंटेम्परेरी कॉम्बिनेशन इज वेरी नेसेसरी। चलिए तो ये कुछ बातें हुई, अब इन्हीं के बेस पर बच्चों हम लोग अपना कारवां आगे बढ़ाए, कुछ टर्मोलॉजी कुछ बेसिक बातों का हम लोग अध्ययन करें। सबसे पहले बात यहीं से शुरू हो, ये पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, कुछ इन्हीं चीजों को बेसिक समझे हम लोग बच्चों, देन फिर कुछ आगे बढ़े। पर्यावरण बचपन से पढ़ के आप लोग बड़े हो गए, परिधन आवरण, क्यों बच्चों? परिधन आवरण से वर्ड बना है पर्यावरण, है ऐसा, परिधन आवरण, परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब किसी चीज से ढका होना। क्या हम लोग किसी चीज से ढके हुए हैं बच्चों चारों ओर से? मैं तो दिख रहा हूं, मैं तो खुला बैठा हूं एकदम, केवल दीवारें हैं, दीवारें हटा दूं तो एकदम बढ़िया खुले आसमान के नीचे, बोलिए ऐसा है क्या? नहीं, यही तो बात है बच्चों इस प्रकृति में कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, याद करिए भूगोल में। इस कमरे में मैं हूं, सिर्फ दीवारें नहीं है बच्चों, इस कमरे में हवा भी है जो दिखती नहीं है,
और जो सबसे महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में इस समय प्ले कर रही, कर रही है कि नहीं? हवा नहीं है तो बच्चों क्या सांस हम ले पाएंगे इस समय? बताइए क्या इस समय हम सांस ले पाएंगे? नहीं, नहीं सांस ले पाएंगे। सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या जीवन चल पाएगा? नहीं नहीं नहीं। तो भाई एक देखो, हवा है हमारे चारों, दीवारें हैं, ये दीवारें भी इंपोर्टेंट है। क्यों भाई? ये दीवारें, ये छत, धूप, गर्मी, बरसात, ठंड आदि से हमें बचाते हैं। बोलिए, तो हमारे चारों ओर जो बहुत सारी चीजें हैं, जो दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती हैं, परंतु हैं, एग्जिस्टेंस इज देयर, उन्हीं सब का आवरण क्या है? पर्यावरण। उन्हीं सब का आवरण है पर्यावरण। यानी कि हो सकता हमारे चारों ओर पेड़ भी हो, हमारे चारों ओर आप कह सकते हैं कि जीव जंतु भी हो, हमारे चारों ओर जल भी है, हमारे चारों ओर वायु भी है, बहुत सारी चीजें, बिल्कुल सही बात है। क्यों बच्चों, हो सकता है कि नहीं? जैसे मान लो एक डायग्राम हम लोग बनाए, इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो जरा समझ लिया, समझिए आप लोग। स्थल मंडल, तो ये क्या है भाई? स्थल मंडल, यहीं पे आप लोग स्थल पे क्या देख रहे हैं? पेड़ है। यहीं पे देखो शिवराम घूम रहा है, है ना? शिवराम है, शिवराम है, अर्जेंट है, बहुत सारे देखो बच्चे घूम रहे हैं यहीं पे। फिर ये देखो, सूर्य है, सूर्य है बच्चों, तो ये क्या हमारा वायुमंडल। तो शिवराम के चारों ओर, अर्जेंट के चारों ओर कुछ चीजों की उपस्थिति दिखाई दे रही है बच्चों, दिखाई दे रही कि नहीं? यहां पर भी जीव दिखाई दे रहे हैं। बोलिए, तो ये सारा क्या है? एक पर्यावरण है। ये जो पर्यावरण है, इंग्लिश में कहा जाता है इन्वायरमेंट, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है, ये इन्वायरन वर्ड से पैदा हुआ है, फ्रेंच वर्ड है इन्विरोनर, उससे पैदा हुआ है और वही कहलाता है इन्वायरमेंट। यानी कि सराउंडिंग अस, एनवलप्ड विद समथिंग, कोई ऐसी चीज जो हमारे चारों ओर उपस्थित है, वो भौतिक है, अभौतिक है, दृश्य है, अदृश्य है, परंतु उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर पड़ता है, वही क्या है? पर्यावरण। लिखिए परिभाषा जल्दी से। पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है, पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, विकसित कौमा पोषित, एवं समाप्त होने में मदद करता है, समाप्त होने में मदद करता है। यहां पे समझने वाली बात, जीवन के विकसित होने, उसको पोषित होने, आगे बढ़ने और लास्ट में खत्म हो जाने,
यहीं पर पैदा हुए हैं, इसी माटी में पैदा हुए हैं और इसी माटी में मिल जाएंगे। बच्चों बोलिए ऐसा है कि नहीं? इसी माटी में पैदा हुए हैं और इसी माटी में मिल जाएंगे। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं। तो यहां पर विकसित होने की भाई खान पान मिलता है हमारे इसी पर्यावरण से, तो सारी चीज इसीलिए पर्यावरण की परिभाषा क्या है, यह एक प्राकृतिक परिवेश है जो हमें विकसित होने, पोषित होने और समाप्त होने में मदद करता है। चलिए, या एक दूसरी परिभाषा लिखिए, या सेकंड परिभाषा, पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर, पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर, किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं, किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं, जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया, एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, को सम्मिलित करता है। इसको बच्चों एक दूसरे डायग्राम से भी समझ सकते हो, एक डायग्राम आपने बनाया होगा, बना लिया, एक दूसरे डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकते हो। बच्चों ये हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या है? जल है ना, स्थल है, स्थल यानी लिथोस्फीयर, जल यानी हाइड्रोस्फीयर, याद करिए जरा। इस पृथ्वी पर ही ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ चुके हैं क्या है, वायुमंडल है, एटमोस्फियर, और इसी पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, इसी पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं। उन्हीं जीवों के बृहद क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। क्या सभी जीव, ये बताइए, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं? ये देखिए, ये क्या आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं? ये देखिए, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, टेट्राहेड्रल डायग्राम, ये टेट्राहेड्रल डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कि पर्यावरण क्या है? देखो, एक दूसरे से जुड़े हुए, कि जो हमारा स्थल है उस स्थल में भी जल है, मिट्टी में जल होता है ना बच्चों, बोलो, जो जल है उसमें मिट्टी है, होता है कि नहीं? और साथ पानी में पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं पानी में। तो यही जो एटमोस्फियर है, क्या उसमें जल नहीं होता है? क्या स्थल नहीं होता है? अरे धूल कण होते हैं कि नहीं, याद करिए वायुमंडल के कंपोजिशन में, और याद करिए उसमें जल होता है कि नहीं, जलवाष्प के रूप में। और देखिए यहां पर पानी में भी जीव है कि नहीं, स्थल पर भी जीव है कि नहीं, शिवम घूम रहा है, शिवराम घूम रहा है, बोलिए भाई। तो यही तो है, देखो एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी कि ये जो बायोस्फीयर है जुड़ा हुआ है किससे? एटमोस्फीयर से। क्यों भाई? एटमोस्फीयर से ऑक्सीजन लेता है, विभिन्न प्रकार की गैसों का एक्सचेंज करता है, यह जुड़ा हुआ है। ये देखो हाइड्रोस्फीयर से पानी पीता है, बिना पानी कोई नहीं जीता है, क्यों बच्चों? और यह जुड़ा हुआ है किससे? लिथोस्फीयर से। रहता कहां है जीव? बहुत सारा जीव स्थल पर रहता, हम लोग कहां रहते हैं? स्थल पर रहते, परंतु पानी में भी बहुत सारे जीव रहते हैं भाई,
तो देखो इससे भी जुड़ा हुआ, इससे क्या मान लो ह्यूमन के कंटेक्स्ट में बात करोगे, ये देखो खाना खा रहा है, प्राप्त कर रहा है, ले दे रहा है, तो यही क्या है आपका पर्यावरण। समझ में आया कि नहीं बच्चों, बोलिए ये यहां तक बात समझ में आई कि नहीं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जिसमें जीव जंतुओं को विकसित होने, पोषित होने, समाप्त होने का अवसर दिया जाता है। प्रकृति अवसर देती है, कहती जाओ भाई पृथ्वी लोक पर, जाओ रहो, खाओ पियो, मौज करो, और जब हम बुलाएंगे तो चुपचाप आ जाना, यानी कि समाप्त हो जाते। और नहीं आते हैं जो, तो कहानियां पढ़ा होगा, यमराज कहा जाता है खुद ही आते हैं, चलो भाई भैंसे पर बैठा हुआ आओ, चलो लेके आते हैं उसको, वो नहीं बहुत दिनों से आना चाह रहा, यानी कि वही कहा जाता है फिलोसफिकल अंदाज में माया, चलो खैर। तो इस तरह से ये हमारा हो गया पर्यावरण। अब आगे लिखो, पर्यावरण संरचना एवं प्रकार। पर्यावरण संरचना एवं प्रकार, ये जो बच्चों आप लोग देख रहे हो, ये जो हमारा पर्यावरण है, इसकी संरचना कैसे हुई है भाई? दो चीजों से हुई है, एक तो भौतिक चीजें हैं, एक भौतिक चीजें हैं और एक जैविक चीजें हैं। भौतिक में क्या क्या है भाई? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और जैविक में जीव जंतु, पेड़ पौधे, यही सब होंगे ना? बिल्कुल यही सब होंगे। जरा देखिए भाई संरचना में जा देख लीजिए, भौतिक पर्यावरण फिजिकल एनवायरनमेंट, स्थलीय, जलीय पर्यावरण और वायुमंडलीय पर्यावरण। स्थली में कौन कौन से कह सकते हैं बच्चों, क्या क्या होता है? तो पर्वती हो सकता है, इस पृथ्वी पर कहीं पर पर्वत ही पर्वत हैं, पठारी हो सकता है, मैदानी हो सकता है, मरुस्थलीय हो सकता है बच्चों, और कौन सा हो सकता है, सागर तटीय हो सकता है, जलीय में कई तरह के हो सकते हैं, सागरीय हो सकता है, सागरीय पर्यावरण, झीलीय पर्यावरण, नदी पर्यावरण,
नदी पर्यावरण ये हो सकते हैं बच्चों। सागरीय पर्यावरण का मतलब खारे पानी से हो सकता है ना। नदी और झीली का सामान्यतः मतलब क्या निकलता है, स्थल पर मीठे पानी का, बिल्कुल। देन फिर वायुमंडली जलवायु मौसम, देन बायोटिक में आ जाओ भाई, क्या होगा, बायोटिक में वनस्पति, फॉनल, लिख लिया बच्चों, जल्दी से लिखो फटाफट। ये कुछ संघटक एवं परिणाम प्रकार हुए। अब जरा एक छोटी सी परिभाषा लिख दो पारिस्थितिकी की, क्या है भाई, एक छोटी सी परिभाषा लिखिए पारिस्थितिकी। वर्ड पे आप लोग ध्यान दो, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, समझ रहे बच्चों, इकोलॉजी। अब इसमें बहुत डिटेल जाएंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर ये कह सकते हो मानव जहां रहता है, जीव जंतु जो जहां रहते हैं, उनके साथ उसका पर्यावरण से किस प्रकार का संबंध है, क्या लेता है क्या देता है, कैसे जीता है, इन सभी का अध्ययन इकोलॉजी। समझ में आ रही बच्चों, पर्यावरण क्या है, सराउंडिंग में क्या क्या उपस्थित है, ये पर्यावरण है। और उस पर्यावरण से किस प्रकार से एक्शन रिएक्शन हो रहा है, जब उसका साइंटिफिक अध्ययन करोगे तो वो हो जाती है इकोलॉजी। लॉजी यानी विज्ञान। लिखिए, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य, समस्त जीवों एवं भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह ध्यान रखिए, क्या रिलेशन है, जैसे इस प्रकृति में हम हैं, क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं, जरा सोचो बच्चों, कुछ देते हैं क्या हम लोग, यस, कुछ लेते हैं, यस। इसीलिए भारतीय संस्कृति में एक बड़ी अच्छी लाइन आप देखोगे, पढ़ोगे, देखा भी आप लोगों ने, भजन में क्या बोला जाता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने सब कुछ दिया है, आपको ही मैं अर्पित करता हूं, मेरा क्या है, कुछ नहीं। इसी से तुम लोग आगे बहुत सारी चीजें विचारधारा समझोगे बच्चों। आप लोग कभी ध्यान दीजिए भारतीय संस्कृति में कितना इकोलॉजी को पहले महत्व दिया जाता था, वो शायद इकोलॉजी ही थी, इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को सम्मान करने की बात की गई है, अहिंसा परमो धर्म, सुना लाइन ना, अहिंसा परमो धर्म, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, सुना होगी लाइन, सब सुनी होगी। क्या सिर्फ मानव द्वारा अप्लाई होती, नहीं, भारतीय संस्कृति में बृहत्तर सेंस में यूज होता है बच्चों।
यानी इस प्रकृति में जो भी जीव जंतु हैं सबको, जो जीव जंतु वनस्पति हैं सबको जीने दो और खुद भी जियो। पहले का क्या कहा जाता है, जीने दो, जीने दो सबको, सब जिंदा। इसीलिए मंत्र में आप लोग सुनते होंगे पृथ्वी शांति, ब्रह्मा शांति, कैसे गाना वनस्पति एक मंत्र, वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, आकाश है शांति, ओम शांति शांति शांति, मतलब इस ब्रह्मांड में सभी जगह शांति हो, क्योंकि शांति जहां होगी बच्चों वहीं समृद्धि होगी, वहीं पर विकास होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक लॉजी है, एक विज्ञान है जो इन्हीं अंतर संबंधों को अध्ययन करती है, और एक ऐसा अवधारणा है कि हमारे चारों ओर क्या व्याप्त है उसका अध्ययन करता है। चलिए भाई, जय विद्या को कभी और हम लोग जब पढ़ाएंगे तो उस समय हम लोग अध्ययन करेंगे। और जय विद्या को जानना चाहे तो जान ही लो उसमें क्या, उस समय जैव विविधता, जीव विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की उपस्थिति आपके चारों ओर मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव मिलते हैं, कुछ जीव बड़े गंदे होते हैं, कुछ जीव बड़े सुंदर होते हैं, कुछ जीव बड़े अच्छे होते हैं, कुछ जीव बड़े जहरीले होते हैं। अरे बाप रे भैया, देखते ये मार के खा जाएगा जैसे शेर, अरे भैया इसने काट लिया तो मर जाएगा आदमी जैसे सर्प, भाई जहर है इसमें तो, अरे उसको मत छेड़ो यार बदबू मारता है। देखा होगा आप लोगों ने, ये वाला जो पेड़ है ना इसका आम बड़ा मीठा होता है, अरे इस वाले पेड़ का जो फल है ना बड़ा गंदा सा होता, बड़ी बदबू आती, मुंह खराब हो जाता भाई। अरे राम रे, यस, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच फाउंड सराउंडिंग अस, जो हमारे चारों ओर मिलते हैं बच्चों, उसे ही क्या कहा जाता है, जैव विविधता। इन्हीं सब का डिटेल अध्ययन हमें आने वाली 20-25 क्लासों में करना है, और यहीं से प्रश्न आपके प्री और मेंस में आते। तो पहला तो हम समझ गए पर्यावरण क्या है, अब जरा बच्चों अगले स्टेप में हम प्रकार भी समझ गए, मानव पर्यावरण का संबंध भी हमें जानना जरूरी, क्योंकि इन्हीं संबंधों के आधार पर इस प्रकृति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन समय समय पर होते रहे, और जैसे जैसे परिवर्तन हुए वैसे वैसे प्रभाव इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते रहे, और उन्हीं सब प्रभावों का परिणाम यह है कि आज हमें इसको पढ़ने की जरूरत पड़ गई। आज से 40 साल पहले, आज से 50 साल पहले इकोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती थी, शायद आप लोग जानते हो पहले इकोलॉजी जो है ना बायोलॉजी का पार्ट होती थी, कोई एक्स्ट्रालॉजी नहीं थी, साइंस नहीं थी, उसी का एक पार्ट होती थी, बट नाउडेज इट्स ए सेपरेट डिवीजन, सेपरेट डिसिप्लिन, एंड इन एवरी यूनिवर्सिटी इसकी अलग से स्टडी हो रही है, इस पर बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, हर जगह हो रहे। क्यों भाई, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नाउडेज दिस टॉपिक बिकम मोर एंड मोर इंपोर्टेंट, कुछ तो बात है ना। तो भाई ये जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है यह गड़बड़ हुई है, क्यों, मानव की सोच में, मानव और प्रकृति के बीच संबंधों में परिवर्तन आए, और जब बच्चों परिवर्तन संबंधों में परिवर्तन आते हैं तो समस्याएं तो बदलती है ना, है कि नहीं। अब मैं उम्मीद करूं कि शिवम क्लास में जब आएगा तो करेगा सर नमस्ते, रोज आता है नमस्ते करता, कल्याणी नमस्ते करते कि सर नमस्ते, और मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 दिनों से अब बच्चे नमस्ते भी नहीं करते हैं, है ना, तो फिर क्या मतलब संबंध बदल रहा है भाई, कुछ तो बच्चों के मन में उल्टा सीधा चल रहा है, इसीलिए आज कल ना बच्चे नमस्ते नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं रोज आता हूं क्लास में और रोज बोलता था और बच्चों ठीक ठाक नमस्ते और सब, और पता चला कि अब मैं आता हूं चुपचाप, हाँ बच्चों ये लीजिए पढ़िए, ऐसा पढ़िए, देखिए ये देखा जाता है कि ऐसा होता है वैसा होता है, चलिए भाई आगे बढ़िए लिखिए, इसका मतलब क्या है बच्चों,
यस नाउ चेंजिंग इन प्रमोद शर्मा समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग। समझ गए बच्चों, ये समझने वाली बात, अधिकारी बनने जा रहे हो दिग्गज, दिमाग खुला रखना चाहिए कि भाई क्या चक्कर है, कैसे कहां बात है। रोज कल्याणी तो नमस्ते करती थी, ये सारे बच्चे बड़ा वार्मली नमस्ते करते थे, अब नमस्ते नहीं कर रहे। नमस्ते छोड़कर लोग अंग्रेज बन गए, अब गुड मॉर्निंग कहते। ठीक है बेटा, वो ज्यादा इशू नहीं है, अरे कम से कम गुड मॉर्निंग तो बोल दें। अब गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल रहे तो मुझे समझ लेना चाहिए कि नहीं, बोलो। समझदार अधिकारी होगा तुरंत समझ जाएगा कि ओहो कुछ तो बात है इस फसाने में, और जुबा पे आते ही मशहूर हो गए जमाने में, कुछ तो बात है भाई, ये बच्चा नमस्कार नहीं कर रहा। यस, तो ये सब बातें होती। तो यहां बच्चों प्रकृति में उस तरह के चीजें आ रही हैं, संबंध बदल रहे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट मानव पर्यावरण के बीच संबंध। मानव पर्यावरण के बीच संबंध, यस बच्चों ये समझने वाली बात, क्या संबंध था। इसीलिए गाना है ना, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। नहीं समझोगे तो यही गड़बड़ होगा फिर। चलिए भाई, आखेत एवं आखेत एवं खाद्य संग्राहक, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। जैविक मानव है, ये लाइन को थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करिए। जैविक कारक, नंबर टू पशुपालन, एवं एनिमल पॉस्टरलिज्म, सामाजिक मानव, रूपांतरणकर्ता, रूपांतरणकर्ता,
नंबर तीन पौध पालन एवं कृषि काल, पौध पालन एवं कृषि काल। आर्थिक मानव, परिवर्तन करता, वित्तीय तकनीकी एवं औद्योगिक काल, तकनीकी मानव, तकनीकी मानव, विध्वंस करता, डिस्ट्रॉयर्स। नोट कर लिया बच्चों जल्दी से फास्ट। सबने लिख लिया? ये देखो बच्चों, इस लाइन को, पैरे को समझने की कोशिश करो आप लोग, थोड़ा धीरे धीरे देखो। आखेत एवं खाद्य संग्राहक। बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रकृति और मानव के संबंध बदलते रहे। आज से 10,000 साल पहले सोचिए, मैंने पहले भी एक आध बार बोला है, थर्ड का मानव स्वरूप क्या है? बेटा थर्ड का मानव स्वरूप आर्थिक मानव, आर्थिक मानव है बेटा, ये देखो आर्थिक मानव, सर रूपांतरण करता मतलब, अरे बदलाव करने वाला भाई, रूपांतरण मतलब रूप को बदल देने वाला, कुछ नया पैदा कर देने वाला, कुछ नया, समथिंग न्यू। समझ गए कि नहीं? अब देखो जरा, आओ यहां पे व्याख्या करो क्या मतलब है। आज से 10,000 साल पहले सोचिए बच्चों, मानव जंगल में रहता था, है ना? इसीलिए देखोगे अक्सर पुरानी कहानियां जंगल की मिलेंगी। एक जंगल था, इसमें एक शेर रहता था, एक बहेलिया गया, एक वो गया, शिकारी गया, काट उसको जाल में फंसा दिया। ऐसे बहुत सारी कहानियां जीव जंतुओं की प्राचीन आप लोग सुनोगे बहुत सारी जगहों पर। यहां पर सिंपल सा अर्थ ये निकलता है बच्चों कि आज से 10,000 साल पहले मानव जब जंगल में रहता था तो वह अन्य जीवों के समान एक सामान्य जीव के रूप में अपना जीवन यापन करता था। जैसे अन्य जीव रहते हैं ऐसी वह भी रहता था, यानी कि दद्दू और गद्दू वाली कहानी याद करिए जो मैंने पहले सुनाई हुई कि दद्दू मतलब मानव और गद्दू मतलब गधा, मानव और गधा दोनों जंगल में अगल बगल रहते थे जैसे अन्य जीव रहते हैं, है ना? जैसे एक पेड़ पर गिलहरी भी रह रही है, उसी पेड़ पर बंदर भी रह रहा है, तो उसी पेड़ पर कोई और दूसरा भी जीव रह रहा है, सब अपना रह रहे, मानव भी रह रहा है ना? अपना मानव जीवन कैसे यापन करता था? तो भाई हंटिंग करता था, मानव हंटिंग करता था। कैसे भाई? तो बड़े बड़े पत्थर होते थे, जीव जंतुओं को देखता था और बड़े पत्थर से मार दिए और फिर उन्हें खा जाता था, प्राय कच्चा ही खा जाता था। फिर धीरे धीरे ज्ञान हुआ तो कुछ भून भान के खाने लगा, ज्ञान हुआ तो थोड़ा भून भान के खाने लगा, यस। या फिर मानव पेड़ पौधों पर जो फल लगते थे उनमें जो पत्तियां थी, जो उसकी जड़ें थी,
जो उनके फूल थे उनको खाकर अपना जीवन यापन करता था, है ना। तो मानव का स्वरूप कैसा है? जैविक मानव, यानी कि जैसे सभी जीव जंतु हैं बच्चों, वैसी ही वह भी एक सामान्य जीव के रूप में रह रहा है यहां वहां। फिर कारक एक सामान्य सा जीव के रूप में, उसका भी प्रकृति में कुछ खास रोल नहीं है अपना, वो भी रह रहा है जैसे सभी जीव रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, नो नो। फिर देखिए भाई, समय बदलता है। ये स्थिति 10,000 साल पहले की है, परंतु वहीं पर आपको याद हो दद्दू और गद्दू के पास में ही मेंटोस गिरी, और मेंटोस खाया कौन भाई, याद करिए कहानी। मेंटोस कौन खाया? तो मेंटोस भाई दद्दू ने खा लिया, यानी मानव ने खा लिया, और दिमाग की बत्ती जल गई, है ना। और दिमाग की बत्ती जली तो भाई उसने आग का आविष्कार किया, पहिया बनाया, और पता नहीं लौटो तो देखो, फिर दिमाग लगाया उसने, फिर वहीं पशुपालन करना शुरू किया। और याद करो गधे को उसने बैलगाड़ी में ही जोत दिया। मानो ने फिर बच्चों धीरे धीरे जंगल में रहने के क्रम में ऐसे जीव जंतु जिनसे उसकी दोस्ती हो गई थी, जैसे कुत्ता, जैसे हिरन, हो सकता भेड़, बकरी, ऐसे बहुत सारे सीधे साधे शाकाहारी जीव जंतु जो पहले जंगल में रहते थे, उन सब से दोस्ती हो गई। मानव ने हो सकता उनकी सुरक्षा थोड़ी बहुत की होगी दूसरे जीव जंतुओं से, तो विश्वास भी दोनों में पैदा हुआ होगा, है ना। और उसी का परिणाम ये रहा बच्चों कि वे जीव जंतु मानव के साथ जंगलों से बाहर आ गए होंगे घास के मैदानों में, और उन घास के मैदानों में चरने लगे होंगे। यस, यानी कि दूसरी गतिविधि यह हुई कि मानव जंगल से निकलकर घास के मैदानों में आया उन्हीं जीव जंतुओं के साथ जिसकी साथ उसकी जंगल में दोस्ती थी, जैसे गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, हिरन है, बकरी है, है ना। आप कभी अपने अपने गांव देहात में देखो, जो आपका जानवर होता है जब कभी संकट पड़ता है तो कई बार आपके दाएं बाएं घूमने लगता, या तो कई बार आपको बचाने की कोशिश करता है या आपसे बचने की कोशिश करता है आपके द्वारा। मान लो कोई वो आ गया, तो कुत्ता देखो पीछे आपके आके खड़ा हो जाता है, कोई दूसरा हैवी कुत्ता आ जाए तो, यानी कि प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं उसको। यस, तो यहां पर आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि पशुपालन हुआ तो धीरे धीरे मानव सामाजिक होने लगा, यानी कि अपने साथ जो 10 लोग और अपने जैसे थे उनसे कहा, आ जा भाई, ऐसा करते हैं भैया शिवराम, आओ चलो यार, हम लोग वहीं रहेंगे जंगल में, मजा नहीं आता जंगल में, तो अक्सर आए दिन शेर वेर दौड़ा लेते हैं, और एनाकोंडा से बड़ा खतरा है यार, अरे वो बड़ा मगरमच्छ भी बड़ा परेशान करता भाई, ऐसा करते आओ चलो हम लोग वहां चलते हैं, वहीं पर हम सभी रहेंगे भाई, है ना। तो मानव फिर भैया घर बना लिया। मानव इस रूप में भी महत्वपूर्ण हो गया कि अब महिला पुरुष नजदीक आने लगे। सामाजिकता का मतलब ये भी है बच्चों, नहीं तो उससे पहले जैसे अन्य जीव जंतुओं में जो मेल फीमेल होते हैं उनमें अट्रैक्शन केवल मैटिंग पीरियड में ही होता है, यानी सेक्स के लिए अट्रैक्शन होता है, उसके बाद तुम कहां मैं कहां, चलो भाई फिर कोई मतलब नहीं है। परंतु अब यहां पर मानव यानी महिला और पुरुष ने महसूस किया होगा कि नहीं, हम दोनों परमानेंट रहते हैं, इससे सुरक्षा होगी, इससे लाभ होगा कई तरह के। तो भाई फैमिली करैक्टर धीरे धीरे डेवलप होने लगा, और 10 लोग रहने लगे, फैमिली करैक्टर धीरे धीरे, सामाजिक करैक्टर डेवलप होने लगा। इस दौरान बच्चों मानव ने धीरे धीरे प्रकृति में रूपांतरण कुछ करना शुरू कर दिया। जैसे जरा सोचो, अब यहां आया होगा तो यहां का पेड़ पौधा घास फूस जो भी रहा होगा साफ किया होगा कि नहीं, यहां की घास फूस सब साफ किया होगा ना, कि भाई हट जाओ यहां से, साफ हम रहेंगे,
यहां पे हो सकता सांप बिच्छू पूछ रहते होंगे, उन्हें मारवार दिया होगा, भगा दिया होगा, तो हल्का फुल्का परिवर्तन किया। और बच्चों ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म था कि मानव पर इसका कोई, प्रकृति पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं था। फिर देखो तीसरी कहानी, आज से लगभग 8-9 हजार साल पहले मानव, यानी कि लगभग 8000 BC में मानव धीरे धीरे कृषि करना शुरू किया। माना जाता है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत महिलाओं ने ही की होगी बच्चों। इसीलिए देखोगे भारतीय संस्कृति में, कभी आप लोग ध्यान देना, कई सारे हमारे संस्कार हैं शादी के दौरान। आप लोग देखोगे जब शादी होती है तो मटकोड़न संस्कार होता है, ध्यान दिया कभी आप लोगों ने, मटकोड़न संस्कार होता है 3 दिन पहले मैरिज के, 2 दिन पहले। जिनकी शादी वादी हो गई है शायद जानते हो, ये ज्यादातर हर भारत के लगभग हर क्षेत्र में होता, शब्द अलग अलग होंगे, है ना, मंगा मट्टू, अच्छा मंगा माटी, बिल्कुल किसी ना किसी रूप में जरूर होता है। इसमें लड़का लड़की जाते हैं खेत में, वैसे फावड़ा चला के आते हैं बच्चों, महिलाएं जाती हैं गाना गाते हुए लड़की को लेके, मटी मंगरा, यस, माटी कोड़न भी बोला जाता है, मटी मंगरा भी बोला जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड, मिट्टी लेके आती है, यस यू आर करेक्ट। तो ये क्या है बच्चों, फिर जरा सोचो जब लड़की की विदाई होती है भारतीय संस्कृति में तो उसको धान दिया जाता, याद है कुछ, मनीषा करी नहीं देखा है तक, कोई बात नहीं, अब किसी की शादी होगी तब उसमें जाना, ध्यान देना 2 दिन पहले संस्कार होता। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जैसे जरा सोचो, कल्पना करो कि खाना वाना खाते होंगे लोग, जो आसपास देखा क्या भाई, तो बहुत सारे घास वास उगी हुई है, उसके बीज कलेक्ट करके लाए, उसको भुना उना खिला दिया, अरे भाई ये तो एकदम फुल ऊर्जा है भाई इसमें भी। फिर उसके कुछ बीज फेंक दिए होंगे, उगाया तो धीरे धीरे कृषि होने लगी। अब जरा सोचो कृषि होगी तो फिर धीरे धीरे खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी कि नहीं बच्चों। पशुओं से पहले मांस मिलता था, अब पैरेलल दूसरा खाना मिलने लगा, जिसकी सबसे खास बात क्या थी बच्चों, जल्दी खराब नहीं होता है। बीज स्टोर कर दो, गेहूं 6 महीना साल भर आराम से खा सकते हो। तो साल के कुछ समय आप जब आसानी से अवेलेबल हो जाए मांस, तो मांस खाओ, नहीं अवेलेबल हो रहा तो गेहूं खाओ। इसका मतलब खाद्य सुरक्षा बढ़ी बच्चों, खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी तो फिर प्रजनन क्षमता बढ़ेगी, प्रजनन क्षमता बढ़ेगी जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी फिर आवश्यकता बढ़ेगी। तो ये बच्चों बताओ परिवर्तन करेगा कि नहीं, परिवर्तन करेगा। क्या परिवर्तन कर दिया भाई, मान लो सिंपल सा, मानो जो यहां पर रह रहा है, यहां पर जो पेड़ पौधे पहले लगे हुए थे उन्होंने काट दिया कि ना भाई इस पेड़ पे ना बहुत सारे सांप वांप रहते हैं, बड़ा खतरनाक पेड़ है, यहां पर लेके नीम लगाते हैं, एक ऐसा करते हैं, नीम का बड़ा फायदा है, क्या भाई नीम की निम्बोली जो होती है बड़ी फायदेमंद है, पत्ती बड़ी फायदेमंद है भाई, और नीम तो छाया भी खूब देता है भाई, तो क्यों ना यहां पर हम ये काम करें, ये भी तो हो सकता है, बोलो बच्चों। तो ये परिवर्तन हुआ कि नहीं, उस एरिया में आपने परिवर्तन कर दिया। यही ज्ञान बच्चों समय के साथ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और इस लेवल तक पहुंच गया कि मानो आज अपने ही पर्यावरण का विध्वंसक हो गया। क्यों भाई, क्योंकि मानव तकनीकी मानव हो गया, वित्तीय मानव हो गया। वित्तीय मतलब पैसा पैसा पैसा, गाना सुनते होगे, पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे क्यों मरती है। पुराने समय में गाना नहीं सुनोगे बच्चे आप लोगों ने, पुरानी मूवी में ऐसा कभी नहीं कि हीरोइन कभी पैसे के पीछे मरती हो ना, परंतु मॉडर्न टाइम में आप लोग, यानी कि मानवीय प्रवृत्तियों में परिवर्तन आ रहा। अब जरा सोचो बच्चों, जब पैसा पैसा ही बात करोगे आप लोग और पैसे पे क्यों मरती ही बात करोगे, तो भाई उसके लिए माल प्रैक्टिस भी होंगे, कई तरह के गलत काम भी होंगे। जैसे शिवराम ने सोचा, भाई मैडम कह रही हैं कि इस बार 9 लखा हार आना चाहिए, नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगी,
तो इनके बगल में 10 पेड़ थे, पेड़ों को काट के बेच दिया। क्यों बच्चों, ये भी तो हो सकता है, बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि इन्होंने शिवराम ने इनके पास में बड़े अच्छे अच्छे पेड़ थे और काट के बेच दिए, तो पर्यावरण में क्षति हुई कि नहीं, अब इनके आसपास बोलो पर्यावरण में क्षति हुई। इन्हें लगा अरे भाई बड़ा जबरदस्त भाई, जंगल में शेर है, इस जगह इस जंगल में और सारे जीव हैं भाई, इनको मार के बेच दिया ना, इनकी खाल बड़ी बिकती है, तो भाई क्या करें हम। तो तुरंत शिवराम कहेंगे भाई हाथी को मार के उसका हाथी दांत को बेच दो, तो बच्चों फिर नुकसान होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना इस प्रकृति में जीव जंतुओं के पैदाइश होने का, जीव जंतुओं के पैदा होने की एक अपनी निश्चित दर होती है और मरने की भी एक निश्चित दर होती है। वहां पर आपने क्या कर दिया, इंटरवीन कर दिया, वहां पर आपने इंटरवीन कर दिया, यानी कि मृत्यु दर को पैदा होने की दर से ज्यादा कर दिया। तो बताइए संख्या घटेगी कि नहीं, बोलिए। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम, समझ गए बच्चों। ये घटना यहां पर घटी कि औद्योगिक काल में मानव ये सब लालची हो गया, वित्तीय से मतलब यहां लालची हो गया, यहां ये समझो तकनीकी, जरा सोचो पहले बच्चों शेर की संख्या क्यों नहीं घटती थी, बताओ आधुनिक समय में शेर की संख्या क्यों घटी, क्या आधुनिक समय में हंटिंग हो रही है, पहले शेर की हंटिंग नहीं होती थी, बोलो। तकनीकी भी इसका कारण है। अब आ गई बंदूक, पहले भाला होता था, पहले तलवार होती थी, ज्यादा धनुष होती थी बच्चों, है ना। अब आ गई बंदूक, तलवार लेके जाने का मतलब शेर के पास मारने, मतलब उसके मुंह में हाथ दे रहा है, इसलिए देखो पहले के फ्रेज होते थे शेर जैसा जिगरा है भाई, शेर जैसा जिगरा, मतलब झाके मार के आते थे। आज की डेट में क्या है, शिवराम यहीं बैठ गए, मारे भाई, वो शेर घूम रहा 500 मीटर दूर आराम से बेचारा चल रहा है, और यहां से टारगेट किया, अब तो और भी एडवांस आ गई है, लेजर बीम टाइप में मारा था। क्यों बच्चों, गया बेचारा शेर, अब बताओ इतनी दूर उसका सेंस कैसे काम करेगा, है ना। सो बहुत ज्यादा लॉस हुआ, उसी का तो परिणाम है कि पोलर बियर, पोलर डॉग, पोलर फॉक्स दैट हैव बीन फिनिश, सब खत्म हो गया। और औद्योगिक है, धुआं है धुआं भाई, कोयले का प्रयोग करके धुआं 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 छोड़े जा रहे लोग। पता चला कि जानवी कह रही है कि ना भाई मैं कार से नीचे नहीं चलती हूं, बता कार में ले जरूरी, आई लाइक ओनली एसी, पता है। तो पता चला कि एसी जब चलेगी बच्चों तो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए तो कोयला जलेगा, कोयला जलेगा तो कार्बन छूटेगा, कार्बन होगा तो, कार्बन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। दूसरी बात, प्रतीक्षा करें ना, मैं तो ना बिल्कुल ये जो एसी के बिना नहीं रह पाती, अरे एसी ठंडा कब करेगी, जब सीएफसी यूज होगा, सीएफसी रिलीज होगी, लीक करेगी, ओजोन डिप्लीटिंग हो तो मानव डिस्ट्रॉयर होगा कि नहीं बच्चों। ये तो बड़े साधारण शब्दों में डिस्ट्रॉयर बता रहा हूं, या दूसरे शब्दों में डिस्ट्रॉयर समझ लो। आज मानव कितना वेपन्स बना चुका है, इतने इतने एटम बॉम्ब एक एक देशों के पास हैं बच्चों, कि वो छोड़ देना पूरी पृथ्वी उड़ जाएगी, वेपोरेट कर जाएगी। मानो बात, थिंक अबाउट रशिया, थिंक अबाउट यूएसए, थिंक अबाउट इंडिया, है ना, चाइना, इतने सारे वेपन्स हैं, इतने वेपन्स हैं बच्चों, ट्रेडिशनल वेपन्स, एडवांस तो एटम हाइड्रोजन बॉम्ब तो दूर की बात है, जो ट्रेडिशनल बॉम्ब हैं वही इतने सारे हैं कि वही छोड़ दें तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी।
और एटम बम हाइड्रोजन बम छोड़ दें तो पृथ्वी पिघल के उड़ जाएगी। ये बताइए हम लोग डिस्ट्रॉयर हैं कि नहीं? आज हम उसी जंगल को काट रहे हैं जिस जंगल से हम ऑक्सीजन पा रहे हैं, यानी कि उसी पेड़ की डाल को काट रहे हैं जिस पर हम लोग बैठे हैं। बोलिए, जिस डाली पर हम लोग बैठे हैं यानी ऑक्सीजन, वृक्ष, वृक्ष इंपोर्टेंट है और वृक्ष को हम काट रहे हैं। इसलिए देखो वृक्ष कितना इंपोर्टेंट था, भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया, एक वृक्ष दस पुत्र समान, समझे बच्चों? तो ये बड़ी खास बात, इस तरह से मानव विध्वंस करता। नेक्स्ट लिखिए, मानव पर्यावरण संबंधी विचारधाराएं। नेक्स्ट हेडिंग, मानव पर्यावरण पर्यावरण संबंधी विचारधाराएं, विचारधाराएं। अब जरा सोचो बच्चों, क्या कुछ विचारधारा का भी हमारे जीवन में रोल होता है क्या? बताओ, हमारे जीवन में क्या किसी तरह की विचारधारा की भूमिका है? बच्चों एक बात कही जाती, इस दुनिया में सारा खेल तो किसका है? विचारधारा का है। इस दुनिया में सारा खेल तो विचारधारा का है, मानेंगे कि नहीं आप लोग? सारा खेल उसी का चलता है बच्चों। जैसी आपकी सोच, कहा जाता है ना, जैसी आपकी सोच वैसी आपकी बरकत, जैसे आपके विचार होंगे वैसी आपके कार्य होंगे, वैसी एक्शन होंगे वैसी परिणाम होगा। बिल्कुल सही बात, आपके मन में जो चलेगा बच्चों, जैसा आप सोचेंगे वैसी एक्शन करेंगे और जैसा एक्शन करेंगे वैसी परिणाम आएगा। यस, तो पहले क्या विचार था हमारा? पहले हमारा विचार पर्यावरण के साथ था बच्चों, पर्यावरणवादी, पर्यावरणवादी या संभववादी, पर्यावरणवादी या नियतिवादी, नियतिवादी, इन्वायरमेंटलिज्म और डिटरमिनिज्म। पता है बच्चों, एक विचारधारा है बहुत जबरदस्त विचारधारा, संभववादी या संभववाद कह लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वादी हो जाएगा तो थोड़ा सा मीन दूसरा हो जाएगा, वाद कह लोगे तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। संभववाद और नियतिवाद लिखिए। संभववाद एक ऐसी विचारधारा है, संभववाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें माना जाता है कि, जिसमें माना जाता है कि मानव के सभी क्रियाकलाप आचार विचार, एक ऐसी विचारधारा है कि जिसमें माना जाता है कि मानव के सभी क्रियाकलाप आचार विचार, आचार विचार, रहन सहन, खान पान, इतिहास एवं संस्कृति, इतिहास एवं संस्कृति, प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात भौगोलिक परिस्थितियां, अर्थात भौगोलिक परिस्थितियां इनको निर्धारित करती हैं। ये मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? पर्यावरणवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सिंपल मानती है
कि जो तुम खाते हो, जो तुम पहनते हो, इवन जो सोचते हो, वो कौन कराता है? तुम नहीं करते हो, प्रकृति कराती है। जैसे जरा सोचो, आज से 2 महीने पहले मैं यही ड्रेस पहन के क्लास में पढ़ाता था, या आप पढ़ते थे उस समय? बोलिए बच्चों, यही ड्रेस पहन के आज सिंपल ड्रेस पहन के आया हूं, क्यों भाई? नहीं, पहले पता चला कि जैकेट वैकेट बांधे हुए, मफलर ऑफलर बांधे हुए, इतने मर्जेंट, कह रहा अरे सर जरा धीरे लिखवाइए सर, हाथ बहुत तेज दर्द कर रहा सर, अंगूठे अंगूठे एकदम ऐठ गए ठंड के मारे, रजाई में बैठा हुआ सिकुड़ा हुआ लिख रहा है बेचारा, और आज एकदम चौड़े में बैठा होगा, अरे गुरु जी बड़ा बढ़िया मौसम है, बल्कि मेरा तो गाने का मन कर रहा, आज मौसम बड़ा बेईमान है, क्यों? यस। तो अभी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जब मौसम आएगा तो आप लोग कहोगे अरे बाप रे सर बहुत गर्मी पड़ रही है सर, कपड़ा वपड़ा पहनने का मन ही नहीं करता, जी करा प्राकृतिक अवस्था में हम बैठे एकदम, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है सर, बहुत गर्मी पड़ रही है सर, क्यों बच्चों? होगा कि नहीं? बोली यस। यानी कि योर ड्रेसिंग डिसाइडेड बाय नेचर। जरा सर्दियों का कपड़े का अपना कलर देखो, सर्दियों के कपड़ों का कलर डार्क होगा, इस समय कपड़े अब धीरे धीरे आगे हम कौन सा पहनेंगे? लाइट कपड़े पहन, क्यों भाई? क्यों? जरा सोचो, दक्षिण भारत के लोग व्हाइट कपड़े क्यों पहनते? दक्षिण भारत के लोग व्हाइट कपड़े क्यों पहनते? सोचने वाली बात है बच्चों। लुंगी क्यों पहनते हैं? मैंने आप लोगों को मॉनसून पढ़ाते समय बताया था ना, इसलिए देखो वहां पर गाना भी है, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, याद करिए, क्योंकि व्हाइट कपड़ा सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है। भारत में देखो सूती कपड़ा पहना जाता है, वहीं यूरोप में ऊनी कपड़ा पहना जाता है, तो वहीं अंटार्कटिका रीजन में फर पहना जाता। तो ये क्या आपने चूज किया? नहीं, दैट डिसाइडेड बाय नेचर। नेचर उसी को धार्मिक दृष्टि से भगवान बोल दिया जाता, गॉड बोल दिया जाता है, खुदा बोल दिया जाता है, जो भी आपका बिलीफ है वो बोल दिया जाता कि भाई सब उन्हीं की कृपा है, भाई हम क्या, हम तो निमित्त मात्र हैं, ऊपर वाला जो कराता है हम लोग करते हैं। इसलिए गाना क्या चलता है भारत की संस्कृति में, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सुना है कि नहीं? गाना सुना होगा, एक बड़ी अच्छी भजन है कि प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मींस बिफोर 1910 या अप टू 1950 यू कैन से देयर वॉज अ वेरी पॉपुलर कंसेप्ट, देयर वॉज वेरी पॉपुलर थॉट, यस All aspect of the human life is determined by the nature. आपके गीत संगीत लोकगीत कौन डिसाइड करता है? प्रकृति निर्धारित करती है, समझे? आप देखेंगे राजस्थान साइड के जो गाने होंगे, मारवाड़ मेवाड़ रीजन के, जैसलमेर रीजन के, अलग तरह के होंगे लोकगीत, तो वहीं असम के जाएंगे अलग होंगे, वहां पर नदियों की बातें होंगी, बारिश की बातें होंगी, कुछ और बातें। तो ये सब डिसाइड करता है। अब जरा इसका प्रभाव सोचो, जब ये तुम सोच रहे हो कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मींस प्रकृति सब डिसाइड कर रही है कि मिस्टर अर्जेंट तुम पहनोगे क्या, तुम खाओगे क्या, तुम कब खाओगे, ये सब प्रकृति डिसाइड कर रही है, तो क्या तुम प्रकृति के प्रेजेंस को इग्नोर कर दोगे बच्चों? बोलिए, प्रकृति के प्रेजेंस को इग्नोर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। जब लगेगा आपको कि सब कुछ उसी से मिल रहा है, देन ऑलवेज यू विल हैव थैंक्स फॉर टुवर्ड द नेचर, हमेशा उसके तरफ झुके रहोगे, हे प्रभु तेरी माया है, अरे भाई आपकी कृपा से। यानी कि
1925 तक दुनिया के विभिन्न भागों में यह विचारधारा विभिन्न रूपों में प्रचलित रही। परिणाम स्वरूप हम हमेशा अपनी प्रकृति का सम्मान करते रहे। और भारत में इसीलिए देखो प्रकृति को सम्मान करने के क्रम में ही हमने उसको विभिन्न रूपों में विभिन्न रिश्तों से जोड़ दिया। नदी को हमने क्या बना दिया? माता। गाय को हमने क्या बना दिया? माता। मींस ऑलवेज रिस्पेक्ट। लैंड को हमने क्या बनाया? माता। समझे? इतना रिस्पेक्ट कि देखो अखाड़े पर जब पहलवान जाता है तो मिट्टी उठा के, है ना, सैनिक कभी देखो सलाम करता है। और विश्वास नहीं होगा बच्चों, कई बार जब लंबे समय बाद विदेशों से लोग अपनी भूमि पे आते हैं ना, तो जमीन को टच कर लेते हैं। विश्वास करो, मैंने एयरपोर्ट पे देखे हैं जो 8-8, 10-10 साल विदेशों पर रहते हैं ना, तो अपनी भूमि जगह पर जब आते, इंडिया आते हैं ना, तो एयरपोर्ट पर एकदम इतना इमोशनल हो जाते हैं, एकदम टच करने लगते। इसलिए क्या कहा गया? वंदे मातरम, वंदे मातरम, यानी उस भूमि को बार बार नमस्कार जहां मैं पैदा हूं। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ बिलीफ, दैट काइंड ऑफ फेथ, मीन्स ऑलवेज यू विल हैव रिस्पेक्ट द नेचर, हमेशा प्रकृति का सम्मान करोगे। तो संभव बात ये बताइए, जब सम्मान करोगे तो क्या तुम नुकसान करोगे प्रकृति को? बोलिए बच्चों, ना भाई। गाय 2 किलो दूध देती है, ठीक है, आज 1.25 ही दिया कोई बात नहीं, कल 1.25 दे देगी। परंतु जब ये आपके मन में आ गया, ना भैया 2 किलो दूध बेचना है, आज गाय ने 1.25 किलो ही क्यों दिया, लगे पड़े हैं, दुहे पड़े हैं, तो हो सकता भाई उस दिन नहीं बना, कम दूध दिया हो। अर्जन का, ना भैया तो सारा दूध निकाल लेना, पता चला उसका थन फट गया, 10 डंडे पीट रहे हैं। तो दिस इज द बिलीफ, ये समझने वाली बात होती है। फिर इसी में एक नई विचारधारा बाद में जुड़ी, वो है संभववाद। ज्योग्राफी जिनका ऑप्शनल है वे बच्चे इस चीज को समझ सकते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के सब वो है, कंसेप्ट है। यहीं से बच्चों आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब्जेक्ट आया कैसे, हमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है, सब क्लिम्स में पूछा जाता है। संभववाद लिखो, भूगोल में संभववाद, या यूं लिखो, भूगोल मत लिखो, संभववाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें माना जाता है कि एक ऐसी विचारधारा है जिसमें माना जाता है कि मानव प्रकृति के समक्ष निष्क्रिय अभिकर्ता नहीं, मानव प्रकृति के समक्ष निष्क्रिय अभिकर्ता नहीं, निष्क्रिय अभिकर्ता नहीं, बल्कि एक सक्रिय अभिकर्ता है, एक सक्रिय अभिकर्ता है। अर्थात मानव प्रकृति के समान ही, अर्थात मानव प्रकृति के समान ही सृजनशील है, यह प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति में
कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये बात समझिए बच्चों, यहां पे इस लाइन को समझो पहले वाली लाइन से। जब आपके मन में ना जिस दिन ये बात आ जाएगी कि पापा वापा क्या है, कुछ नहीं, अरे क्या पापा खिलाए उलाए हैं, कौन सा पाले पोसे हैं, मम्मी मम्मी कौन सी पाली पोसी हैं, फालतू की बात, तुरंत बच्चों श्रद्धा बदल जाएगी। बोलो मानोगे कि नहीं? श्रद्धा आखिर हमारे पेरेंट्स के ओर क्यों रहती है? क्योंकि हम मानते हैं कि हम जो भी हैं, जितने बड़े हुए हैं, हमारे शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य में उसको बनाए रखने में माता पिता का योगदान है, तो उस योगदान को हम लोग हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, है ना। परंतु जिस दिन आपको लगेगा अरे पापा हमें क्या पाले पोसे हैं, कौन सा उन्होंने ऐसा कुछ काम किया, अरे हर मां बाप करता है, हाँ बल्कि पापा ये जो तुम्हें खेत वेत मिला ना, घर वर कुछ नहीं, ये दादा का था, इधर लाओ मुझे भी दो, तो बताओ फिर क्या होगा बच्चों? एग्जैक्टली हैपेंड विद द पॉसिबिलिटी। इस विचारधारा ने प्रकृति को निसहाय मान लिया कि नेचर कुछ नहीं है भैया, मेरी मर्जी, मैं चाहे ऐसे रहूं, मैं चाहे वैसे रहूं। ये बताओ बच्चों, मेरा जैकेट पहन के अभी क्लास पढ़ाने का मन करे तो मैं पढ़ा सकता हूं कि नहीं, जल्दी से बताओ। अभी मेरा मन करे जैकेट पहन के कोट पहन के क्लास पढ़ाने का, यही पड़ी हुई है, कहो तो अभी मैंने पहन के पढ़ा दूं क्लास, तो मैं पढ़ा सकता हूं कि नहीं, बताओ। बच्चे कह रहे हैं, कल्याणी कह रही नहीं, अरे बेटा मैं पढ़ा सकता हूं आपको, अरे सर गर्मी लगेगी आप कैसे पढ़ा देंगे, अरे बेटा सामने ये देखो एसी पड़ा हुआ, अभी सोलह पे एसी कर दूंगा, फैन की तुम बात कर रहे हो तो चल ही रहा हल्का फुल्का, आवाज आ भी रही होगी, देखो एसी लगा हुआ है सामने, है ना, अभी मैं एसी चला दूंगा, टेम्परेचर गिर के 16 हो जाएगा और अपने आप जैकेट में कंफर्टेबल हो जाऊंगा। ये बालक दिव्या कह रही डिपेंड ऑन यू सर, अरे बेटा ऐसे कह डिपेंड ऑन मी, उसके लिए सराउंडिंग तो तैयार करना पड़ेगा ना, ऐसी में पहन के बैठ जाऊं जैकेट और पता चला पसीना हो जाए, चक्कर आ जाए पसीना होने की वजह से, परंतु अभी एसी चल जाएगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, है ना। यस, तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि भाई मेरी मर्जी, आज मेरा मन कर रहा है मंगल पे घर बनाऊंगा, चंद्रमा पे घर बनाऊंगा, बना सकता हूं कि नहीं बच्चों आने वाले समय में? बोलो प्रकृति क्या कहती है कि मंगल पे घर बना सकते हो तुम, चंद्रमा पे घर बना सकते हो तुम? नहीं। प्रकृति क्या कहती है, तुम इस ब्रह्म इस पृथ्वी से ऊपर जा सकते हो क्या? नहीं। कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, आपको आना है यहीं पर मेरी मर्जी, मैं तो भाई जाऊंगा चंद्रमा पे, मैं तो जाऊंगा मंगल ग्रह पे। बोलो ऐसा हो सकता है क्या? यस, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों, बिल्कुल हो सकता है। हमने अपने ज्ञान विज्ञान से, अपने समझ से ये जान लिया कि स्केप वेलोसिटी दे दो किसी भी ऑब्जेक्ट में, निकल जाएगा जैसे रॉकेट, जैसे रॉकेट। रॉकेट में क्या होता है, स्केप वेलोसिटी दे दी जाती है, निकल जाता है बाहर। तो इस विचारधारा जब बच्चों आई तो इसने बहुत नुकसान पहुंचा, बहुत नुकसान पहुंचाया। कैसे और कौन कौन सी विचारधारा हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कोई प्रश्न है बच्चों का? नहीं तो फिर चला जाए बच्चों, बच्चे हमारे बड़े समझदार हैं, प्रश्न ही नहीं पूछे आज तो भाई, तो चले बच्चों। यस सर।